जम्मू कश्मीर के अखनूर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल कयूम ने पूछताछ में कई खुलासे किए। कयूम ने बताया कि उसे पाकिस्तान में आर्मी ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा उसने लश्कर के लिए फंड जुटाने की बात भी स्वीकारी। वो लश्कर के कैंप में भी ट्रेनिंग ले चुका है। बता दें कि अब्दुल कयूम की उम्र करीब 30 साल है। उससे शुक्रवार को बीएसएफ ने भारत में घुसपैठ करते वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गिरफ्तार किया था। इस बीच उसके 4 अन्य साथी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जैसे ही बीएसएफ के जवानों की नज़र उस पर पड़ी, उसे घेर लिया गया, लेकिन तार बाड़ पर आतंकी को बिजली का करंट लगने से वो बेहोश हो गया। इलाज के दौरान बाद में होश में आने पर उससे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आतंकवादी पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है। पाकिस्तान के शेखपुरा जिले के मुर्दिके में उसकी ट्रेनिंग हुई थी। गौरतलब है कि आतंकी संगठन जमात उद दावा का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर मुर्दिके में ही है। फ्रांस में 36 लड़ाकू विमानों की खरीद को भले ही रक्षा मंत्रालय बड़ा कदम बता रहा हो, लेकिन वायुसेना की ताकत के लिए भी बहुत कसर बाकी है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही है। पुराने और जर्जर हो चुके मिग विमानों को वायुसेना से हटाने और नई जरूरतों के मद्देनजर वायुसेना को अगले 5 सालों में कम से कम 200 और 10 सालों में 400 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वायुसेना में लड़ाकू विमानों की वास्तव में भारी कमी है। सुखोई की स्थिति अच्छे लड़ाकू विमानों के नाम पर वायुसेना के पास अभी सुखोई है, लेकिन सुखोई में भी पिछले कुछ समय से हादसे बढ़ रहे हैं। 9 सालों में 100 विमान हादसे। वायुसेना के हादसों का रिकॉर्ड देखें तो 2007 से अब तक 100 विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। कुछ समय पहले वायुसेना के उप प्रमुख BS धनोआ ने यहां तक कहा था कि विमानों की कमी से वायुसेना की ताकत घट रही है। स्थिति ये है कि यदि एक साथ चीन और पाकिस्तान से मोर्चा लेना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। वायुसेना चाहती है कि 36 राफेल के बजाय सभी 126 राफेल विमानों की खरीद होनी चाहिए, लेकिन सरकार चाहती है कि बाकी राफेल खरीदने के बजाय तेजस को अपग्रेड कर वायुसेना को दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोझिकोड में हो रही भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे सकते हैं। उरी हमले के बाद पीएम मोदी पहली बार कालीकट में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसमें पाक के खिलाफ सरकार के सख्त रवैये का संकेत मिल सकता है। भाजपा राष्ट्रीय परिषद की 2 दिन की बैठक से पहले शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोझिकोड में बैठक हुई, जिसमें उरी आतंकवादी हमले की छाया दिखाई दी और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में पार्टी के गरीब कल्याण एजेंडा पर जोर दिया। पार्टी आने वाले दिनों में अपने विचार उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग कुछ समय धैर्य बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक शनिवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल में निवेदिता नर्सेज हॉस्टल का उद्घाटन किया। नर्सिंग हॉस्टल का उद्घाटन करने के बाद महामहिम ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर कहा कि राज्य चुनाव की ओर जा रहा है, जनता खुद आकलन करेगी। मेरा बोलना सही नहीं और कैराना पलायन पर बोले की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उसी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेगी। वही उरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले पर राज्यपाल ने कहा है कि उससे हमले की सारा देश निंदा कर रहा है। केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जो निर्णय लिया है वो निश्चय ही देश के हित में होगा। समाजवादी परिवार की राजनीतिक सरगर्मी के बीच राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच फिर इस मुद्दे पर फोन पर बातचीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक कोई तारीख तय नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से कहा कि वो तारीख तय कर बता देंगे। राज्यपाल ने तारीख तय करने का जिम्मा मुख्यमंत्री पर भी छोड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की दोबारा शपथ को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों से परेशान हैं। मुख्यमंत्री 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी क्लीन इमेज का संदेश देने के लिए अवैध खनन में हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। इस तरह राजकिशोर सिंह को भी जमीनों पर कब्जे व भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया था, लेकिन जब 17 सितंबर को मुख्यमंत्री ने गायत्री को दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा, तब से अखिलेश विपक्ष के निशान
ठिकाने पर आ गए हैं। देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे। यात्रा के दौरान गुरुवार को नाव से जनसभा को संबोधित कर रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी दोपहर करीब 2 बजे लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद के प्रत्याशी शीला दीक्षित को साथ लेकर राहुल गांधी अपने रोड शो को निकल गए। राहुल गांधी का रोड शो लखनऊ के नदवा कॉलेज से शुरू होकर परिवर्तन चौक, केसरबाग, अमीनाबाद होते हुए पुराने लखनऊ के चौक में रोड शो को समाप्त किया। रोड शो के दौरान कांग्रेस ने लखनऊ की सड़कों पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। लखनऊ के आसपास के जिलों से भारी संख्या में कांग्रेस समर्थक ने राहुल गांधी के रोड शो को एक शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया। इस दौरान लखनऊ वासियों में भी राहुल गांधी की झलक देखने की ललक नजर आई। राहुल गांधी ने दलितों का ध्यान कांग्रेस की ओर खींचने के लिए हजरतगंज स्थित अम्बेडकर छात्रावास का भी जायजा लिया और वहां मौजूदा अव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने छात्रावास के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। मथुरा के थाना वृंदावन इलाके के पानी गांव स्थित प्रकाश डाबे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब तेज रफ्तार से आती हुई इंडिगो कार वहां लगे होल्डिंग से टकरा गई। ये हादसा उस समय हुआ जब मथुरा से अलीगढ़ जा रहे लोगों की कार अचानक होल्डिंग से टकरा गई। गाड़ी टकराने के साथ ही हुए तेज धमाके की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद लोग कार के पास बचाव के लिए पहुंचे। लोगों ने काफ़ी मशक्कत के बाद इंडिगो कार में सवार 4 महिलाओं और बच्चे सहित 6 लोगों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित हुई कार हादसे में अलीगढ़ निवासी रहीश पाल 38 की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज वृंदावन के अस्पताल में चल रहा है। मथुरा के थाना फरह इलाके में नगला गुर्जी में एक 16 साल के छात्र भोला की उस वक्त दर्दनाक मौत हो गई जब छात्र इलाज के लिए झोलाछाप डॉक्टर नितिन के पास पहुंचा और डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया। इस दौरान छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत की सूचना मिलते ही हंगामा खड़ा हो गया और परिवार के लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे छात्र की मौत का जिम्मेदार बताया। परिजनों का आरोप है कि छात्र की तबीयत उतनी खराब नहीं थी कि उससे बच्चे की मौत हो जाए। डॉक्टर ने छात्र को गलत इंजेक्शन लगाया है जिससे उसकी मौत हुई। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आ चुकी है। पर्दे के पीछे दोनों की दोस्ती भी कमाल की है। इस बात से कम ही लोग वाकिफ होंगे। रितेश की फिल्म बैंजो इस शुक्रवार को रिलीज हुई है। बॉलीवुड से तमाम लोगों ने उनकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी, तो वही अक्षय ने ट्विटर पर अपनी और रितेश की एक फोटो शेयर की है जिसमें दोनों का मजेदार लुक देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। इस फोटो में अक्षय और रितेश ने विग लगा रखा है और उनका चेहरा बेहद गंभीर लग रहा है। बता दें कि अक्षय और रितेश हाल ही में फिल्म हाउसफुल 3 में नजर आए थे। फिल्म में दोनों की बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिली। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की। इसके बाद अक्षय फिल्म रुस्तम में नजर आए और रितेश की बैंजो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नरगिस इससे पहले हाउसफुल 3 में रितेश के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन इस फिल्म में वो अभिषेक बच्चन के साथ रोमांस करती नजर आई थी। बैंजो में वो रितेश के साथ नजर आ रही हैं। कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि किसी भी तरह कीवी बल्लेबाजों को आउट करे और मुकाबले में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए। वहीं दूसरी तरफ कीवी बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। उनकी 166 रन की लीड को पार करने की पूरी कोशिश होगी। भारतीय टीम को अपने 500वें ऐतिहासिक मुकाबले को जीतने के लिए गेंदबाजों को हर हाल में अपना जलवा दिखाना होगा। तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है। सलामी बल्लेबाज टॉम लाथम के बाद अनुभवी रोस टेलर और फिर कप्तान केन विलियम्स भी पवेलियन लौट चुके हैं। लाथम और विलियमसन को आर अश्विन ने पवेलियन भेजा, तो वही टेलर का विकेट रविंद्र जडेजा के खाते में गया। बता दें दूसरे दिन बारिश के चलते मैच को जल्द खत्म करना पड़ा था।